जो जनता हमारी मालिक है उनके बीच हम लोग जा रहे हैं। जन विश्वास यात्रा की आज शुरुआत हो रही है और आप सब लोग जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का कोई विजन नहीं है और ना ही गठबंधन बदलने का कोई रीज़न है। नीतीश कुमार जी जो है वो जनमत को जो है जनमत को जनता के मत को जो है अपने पैर की जूती समझते हैं जो मुख्यमंत्री है, तो जनता जो है इसका जवाब देने का काम करेगी। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आज से राजद का जनविश्वास यात्रा शुरू होने जा रहा है। उससे पहले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भगवान भोले के दर्शन करने के लिए अपने आवास के ही मंदिर में पहुंचते हैं, जहां पर विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं और भगवान भोले का आशीर्वाद लेते हैं। उस समय उनके साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद भी रहते हैं। साथ में वो विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, जिसके बाद मीडिया के सवालों पर जमकर बिहार सरकार पर बरसते हैं। मीडिया ने जब उनसे पूछा कि क्या आज से आपका विश्वास जन विश्वास यात्रा शुरू हो रहा है, तो उनका कहना था कि आज से हम लोगों को 17 साल वर्सेस 17 महीने की उपलब्धि को गिनाएंगे कि किस तरीके से राजद की जब सरकार 17 महीने जब चली बिहार में तो उन्होंने जनता का सेवा किया है। तो आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। तेजस्वी जी, आज यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, क्या कहिएगा? आज से जो जनता हमारी मालिक है उनके बीच हम लोग जा रहे हैं। जन विश्वास यात्रा की आज शुरुआत हो रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता ने जिस प्रकार से हमारे पिता हमारे पार्टी को लगातार समर्थन प्यार आशीर्वाद देने का काम किया और लगातार बिहार में 2 चुनावों से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया है और इस बार भी आने वाले समय में भी पूरी मजबूती के साथ जनता जो है हम लोगों के साथ खड़ी रहेगी। और आप सब लोग जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का कोई विजन नहीं है और ना ही गठबंधन बदलने का कोई रीज़न है। उनका ना कोई विजन है और ना ही गठबंधन बदलने का कोई रीज़न है। तो आज अपनी माता की ममता, पिता की क्षमता और पत्नी की उत्तमता और जो हमारा लोक धर्म है उसकी प्रधानता के साथ आज हम लोगों के बीच जो है जा रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि अपने मालिकों के समक्ष अपनी बात को तो हम रखेंगे, लेकिन एक तरह का पॉलिटिकल इंश्योरेंस भी जो है जनता के साथ जो है लेने का काम करेंगे और आगे सब कुछ जो होगा बातें हम लोगों ने पहले भी कही है और आगे भी करते रहेंगे। तो हम सब लोग जो है मिलकर के जनता की सेवा में जनता की आवाज़ को जो है वो बुलंद करने का काम करेंगे। इन सारे काम को हम लोग जो है लोगों के बीच जो 17 महीने में जो हम लोगों ने काम किया है, जो 17 साल में नहीं हुआ है, उस काम को जो है हम लोग जो है गिनवाने का काम करेंगे। तो आप तो समझते हैं कि नीतीश कुमार जी जो है वो जनमत को जो है जनमत को जनता के मत को जो है अपने पैर की जूती समझते हैं जो मुख्यमंत्री है, तो जनता जो है इसका जवाब देने का काम करेगी। जी हाँ, तो आपने तेजस्वी यादव को सुना, ये ठीक बयान निकलकर सामने उस समय आता है जब तेजस्वी यादव अपने आवास में ही भगवान भोले के दर्शन करते हैं, साथ में उनके पिताजी और माताजी मौजूद होते हैं। और आज से तेजस्वी यादव का बिहार में बड़ा जनसभा होने वाला है, बड़ा रैली निकलने वाला है। ये रैली जो निकलेगी ये तमाम जो बिहार के मुद्दे हैं, 17 महीने में किस तरीके से राजद ने बिहार के लिए काम किया, चाहे वो नौकरी देने से लेकर, तमाम वो उपलब्धि लोगों को गिनाएगी। और जनविश्वास यात्रा के तहत ये तमाम जो रैली निकलने वाली है उसमें भाग लेने के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो उनके आवास के बाहर गाड़ी भी लगी हुई है। अब बताया जा रहा है कि बिहार सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है राजद की ओर से और इसमें लालू प्रसाद यादव भी भाग लेंगे। उससे वैसे में लालू प्रसाद यादव क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको ये भी सुनवाते हैं। सर, तेजस्वी जी आज जनता की अदालत में जा रहे हैं, क्या कहिएगा? आशीर्वाद है, पूरा आशीर्वाद है, बहुत काम किया है, आगे काम करेगा। जनता से मेरा अपील है कि इसको पूरा मनोबल को ऊंचा करें। 17 महीना में जितने नौकरियां दिया इन्होंने, जो जो काम किया, स्वास्थ्य सब
काम किया है और काम करेगा। हो गया जी। हाँ, तो आपने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी सुना कि उनका भी क्या कुछ कहना था। वो कहे कि हम भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं, भगवान के शरण में है, हम डरने वालों में से नहीं है। ऐसे में बिहार सरकार को करारा जवाब देने के लिए मोर्चा खोल दिया गया है बिहार में। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल कर सामने आती है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।